नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऋचा पाठक और हम लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम इस हफ्ते का राशिफल, जो दिनांक 18 फरवरी रविवार से 24 फरवरी शनिवार तक रहेगा। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि इस हफ्ते का वास्तु टिप मिस ना हो। इस हफ्ते हम जानेंगे क्या करें और क्या ना करें और किन बातों का विशेष ख्याल रखें। इस हफ्ते हम यह भी जानेंगे कि विद्यार्थी आने वाली परीक्षाओं में किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनको उत्तम परीक्षा परिणाम प्राप्त हो। आइए साप्ताहिक राशिफल का सफर चालू करते हैं। पहली राशि मेष राशि। सप्ताह में आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, परंतु कुछ मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बिजनेस में आपको और अधिक मेहनत और लगन से काम करना होगा। भविष्य में उत्तम परिणाम मिलेंगे। विद्यार्थियों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपने माता पिता का आदर सम्मान करें। उनके आशीर्वाद से परीक्षा में मनोवांछित फल प्राप्त करने में आप जरूर सफल होंगे। वृषभ राशि। सप्ताह में आप सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। नौकरी में आपके बॉसेस आपके काम की तारीफ करेंगे। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको इंटरव्यू के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू दीजिए, आप जरूर सफल होंगे। पुराने मित्र के सहयोग से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों को परीक्षा से घबराना नहीं है, मेहनत करिए, परिणाम उत्तम मिलेंगे। रोज सुबह उठकर एक गिलास दूध का सेवन आपके लिए फलदायक सिद्ध होगा। मिथुन राशि। सप्ताह में धन आपको संभल कर निवेश करना होगा। अगर आप शेयर मार्केट या लॉटरी में पैसा लगाते हैं तो भी ध्यान रखिए। घर में मांगलिक कार्य होंगे और उसी कारण गेस्ट का आना जाना लगा रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, जिससे आपको टेंशन बना रहेगा। विद्यार्थी आपको पूरे एकाग्रता से कंसंट्रेशन से पढ़ाई करना है और अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं होना, तभी सफलता मिलेगी। रोज सुबह उठकर खाली पेट तुलसी का पत्ता खाइए, आपके लिए लाभदायक रहेगा। कर्क राशि। सप्ताह में स्वास्थ्य की परेशानी आ सकती है, जिसका काम पर भी असर पड़ेगा। तबीयत खराब होने पर जरूरी जांच करवाएं और डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, इसलिए आप संभल कर खर्चा करें, नहीं तो सप्ताह अंत में परेशानी हो सकती है। नौकरी और परिवार में किसी को भी बेवजह की सलाह ना दें। अपने काम से काम रखें और व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। विद्यार्थियों को परिश्रम करने से ही सफलता मिलेगी। आप जिस भी कमरे में पढ़ाई करते हों वहाँ की साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें, इससे कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि होगी। सिंह राशि पर आते हैं तो सप्ताह नौकरी पेशा लोगों के लिए उन्नति कारक है। प्रमोशन की संभावना है, परंतु साथ में आपका ट्रांसफर स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। बिजनेस में काम की अधिकता रहेगी। आप परिश्रम से घबराइए नहीं, आपको मनोवांछित मुनाफा होगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। बड़े लोगों का आशीर्वाद आपके सर पर होगा। आप कोई नई चीज की खरीदारी भी इस सप्ताह कर सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अपने सीनियर्स की मदद लेनी पड़ सकती है। सुबह उठकर आप सूर्य देव को जल अर्पण करिए और पूर्व दिशा में बैठकर पढ़ना आपके लिए लाभदायक होगा। कन्या राशि पर आते हैं तो सप्ताह में काम की अधिकता रहेगी। जो लोग लग्जरी गुड्स से रिलेटेड बिजनेस में हैं उनको मुनाफा होगा। संतान की चिंता आपको हो सकती है, उनके कठोर वचन के कारण आप परेशान भी हो सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके रिश्तों में गलत फहमी के कारण तनाव हो सकता है। आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। स्टूडेंट्स पर आते हैं तो स्टूडेंट्स अपने लक्ष्य से भ्रमित हो सकते हैं। आपको सोशल मीडिया से परीक्षा तक दूर रहना है। आप हरी सब्जियों का सेवन करिए, देवी जी की उपासना करिए, आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि। सप्ताह में सफलता हासिल करने के लिए विचारों में बदलाव लाना होगा। नौकरी में आप काम को नए ढंग से करने का प्रयास करें, तभी सफलता मिलेगी।
फैमिली में सदस्यों के बीच छोटे बड़े विवाद हो सकते हैं जिन्हें आपको बड़ी समझदारी के साथ हल करना है। जो लोग लव रिलेशन में हैं उनकी शादी के योग बनेंगे। स्टूडेंट्स, परीक्षा में अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको कठिन परिश्रम से डरना नहीं है। सुबह जल्दी उठकर आप पढ़ाई करिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह में आपको अपनी वाणी और व्यवहार से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में अपने सहकर्मियों के साथ विवाद से बचें, बेवजह शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। बिजनेस में आपको अपने ग्राहकों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखने हैं, नहीं तो हानि होगी। इस सप्ताह आपका मन अशांत हो सकता है। परेशानी होने पर घर के बुजुर्ग या गुरु की सलाह लीजिए, आपको सही राह भी मिलेगी और मानसिक शांति भी मिलेगी। विद्यार्थी, यह परीक्षा का टाइम है, प्रेम प्रसंग से दूर रहिए। नियमित अध्ययन, टाइम टेबल बनाकर पढ़ना और लाल वस्तुओं का इस्तेमाल आपके लिए लाभप्रद रहेगा। धनु राशि, सप्ताह में सोच समझकर किए गए निर्णय आपको सफलता दिलवाएंगे। छोटी बड़ी दोनों यात्राओं के योग हैं जिनके कारण खर्चों में वृद्धि होगी। अगर आप संपत्ति या वाहन लेने की सोच रहे हैं तो समय उचित है। हेल्थ में किडनी या लिवर की परेशानी हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छा है। परीक्षा में उत्तम परिणाम के लिए सरस्वती जी की पूजा, गुरु का आदर और कठिन परिश्रम अत्यंत आवश्यक है। मकर राशि पे आते हैं तो सप्ताह करियर के लिए उन्नति कारक है। नौकरी में कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। बिजनेस में जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। हेल्थ में स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्र के मकर राशि में होने से प्रेम संबंध से जुड़े लोगों के रिश्तों में मजबूती आएगी। स्टूडेंट्स, घर के विवादों से दूर रहें और पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाएं। देर रात तक ना जागें और दिन में ही पढ़ाई खत्म कर पूरी नींद लें। हनुमान जी की उपासना, स्थिर मन, सोशल मीडिया से दूरी आपको सफलता दिलवाएगा। कुंभ राशि, सप्ताह में आपको अपनी शारीरिक क्षमता मतलब स्टैमिना को नियमित व्यायाम और ध्यान से बढ़ाने की कोशिश करना है। इससे आपकी पुरानी चली आ रही बीमारी में आराम मिलेगा। बिजनेस में आय बढ़ोतरी के लिए संघर्ष करना होगा। लेन देन में सावधानी रखें, पैसा अटक सकता है। नौकरी में कोई नए प्रोजेक्ट के कारण काम की अधिकता होगी। विद्यार्थी, सफलता के लिए और अधिक परिश्रम करना होगा। उत्तम परीक्षा परिणाम के लिए संतुलित आहार लें। रोज सुबह उठकर तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल ग्रहण करें। अंतिम समय के लिए पढ़ाई में कुछ न छोड़ें, सारी तैयारी पहले से ही कर रखें। मीन राशि पर आते हैं तो सप्ताह में आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में आपके अधिकारी आपके काम से खुश होंगे। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इजहार करने के लिए यह समय उचित है। बुध और शुक्र की युति मकर राशि में होने से पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहेगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ध्यान देना होगा, मन भटक सकता है। दोस्तों से मिलना जुलना कम करें, पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाएं। कोई परेशानी होने पर इधर उधर भटकने से अच्छा अपने टीचर की, गुरु की सलाह लें। सुबह सूर्य की रोशनी में बैठकर अध्ययन करें और कृष्ण जी की उपासना आपको सफलता में सहायक होगी। इस हफ्ते का वास्तु टिप। इस हफ्ते हम बात करेंगे कि घर में किन बातों का ध्यान रखना है जिससे मनी फ्लो में कोई रुकावट ना हो। तो घर में मनी फ्लो बनाए रखने के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी भाग में किसी भी तरह का भारी सामान या मशीन नहीं रखना है। इस एरिया को आप खाली क्लटर फ्री रखिए, क्योंकि ओपन नॉर्थ ईस्ट एरिया वेल्थ अट्रैक्ट करता है। आप सभी का सप्ताह मंगलमय हो। धन्यवाद। Yeah, 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 yeah.